Union Home Minister Amit Shah has given a big assurance to the people of strife-torn Manipur. Addressing a poll rally in Imphal to drum up support for BJP candidate T.H. Basant Kumar Singh for the Inner Manipur seat, Home Minister Amit Shah said that Prime Minister Narendra Modi's top priority in the third term would be to restore complete peace and normalcy in Manipur without dividing the state. पिछले दिनों में मणिपुर में नस्ली हिंसा हुई है। मैं मणिपुर के पहाड़ और घाटी दोनों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी मणिपुर को एक रखते हुए सबसे बातचीत करते हुए शांति स्थापित करने की है। मणिपुर में 6 साल तक कुछ नहीं हुआ था, जिन लोगों ने किया है उनसे भी बातचीत करेंगे और जिनका नुकसान हुआ है उनसे भी बातचीत करेंगे। Well, Home Minister Amit Shah also lashed out at the Congress for allegedly trying to divide Manipur and keeping it disturbed for years. एक कांग्रेस पार्टी जहां जाती है वहां विभाजन की बात करती है। देश का बंटवारा किया, देश का विभाजन किया। अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश को नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बांटना चाहते हैं। यहां पर भी एजेंडा बनाया मणिपुर के विभाजन का, मगर मैं आज कह कर जाता हूं मणिपुर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम मणिपुर को तोड़ेंगे। Addressing the rally at Hapta Kanjaibung, Shah also assured continued development of Manipur. मैं मणिपुर वालों को मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, अगले 5 साल में मणिपुर में घर वगैरह का कोई नहीं रहेगा। हर एक गरीब के पास शौचालय, गैस, बिजली वाला घर होगा और हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाइप से घर में गैस पहुंचाएंगे, नल से जल पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं घाटी के लोगों को, सबसे मैं मणिपुर वालों को मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, अगले 5 साल में मणिपुर में घर वगैरह का कोई नहीं रहेगा। हर एक गरीब के पास शौचालय, गैस, बिजली वाला घर होगा और हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाइप से घर में गैस पहुंचाएंगे, नल से जल पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं घाटी के लोगों को, सबसे बड़ी बात कोई जितना भी जोर लगा दे हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। ये बात मैं आज Notably, the Union Home Minister's visit comes at a time when fresh incidents of violence have resurfaced again in Manipur.